नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का 10 मिनट की क्लास एक टॉपिक खल्लास में। और आज का जो टॉपिक आपका मैं लेकर आया हूं वो है भारत की प्रमुख घाटियां। यहां से आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न आते रहते हैं जिसमें आपको किसी एक घाटी का नाम दे देता है और पूछ लेता है कि वो घाटी किस राज्य में स्थित है, या अगर किसी विशेष वजह से अगर वो घाटी फेमस है तो उसकी प्रसिद्धि का कारण भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देख लेते हैं यहां पर भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह है आपकी मूर्खा घाटी। कौन सी? मूर्खा घाटी आपकी काफी फेमस वैली है, लद्दाख में स्थित है। यह आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएगा कि मूर्खा घाटी कहां पर स्थित है, तो आपको क्या बताना है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मूर्खा घाटी स्थित है। इसके अलावा नुब्रा घाटी की अगर हम बात करें तो नुब्रा घाटी यह आपके सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नदी नुब्रा के द्वारा निर्मित है। भाई सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे आप नुब्रा नदी के नाम से जानते हैं, और उस नुब्रा नदी के द्वारा जो घाटी तैयार की जाती है उस घाटी को नुब्रा घाटी के नाम से जाना जाता है। भाई एक चीज समझिएगा यहां पर कि घाटियों की अगर हम बात करें तो टूरिज्म के हिसाब से, पर्यटन के हिसाब से घाटियों का विशेष महत्व होता है, यह आपको याद रखना है। और यह भी कहां पर स्थित है? तो यह आपके लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है। कश्मीर घाटी की बात करें तो यह तो काफी फेमस है, सब लोगों को पता होगा कि महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है और बानिहाल दर्रे के द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है ना। सिचुएटेड बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड द पीर पंजाल रेंजेस, कनेक्टेड टू जम्मू बाय द बानिहाल पास। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। बेसिकली जम्मू और कश्मीर को जोड़ने के लिए बानिहाल दर्रा जो है वो यहां पर आपके मौजूद है। इसके अलावा सुरू घाटी की बात करें तो देखो, सुरू घाटी की बात करें तो यह कारगिल कस्बे के लिए काफी महत्व है ना। कारगिल के लिए आपके रास्ता प्रोवाइड करता है, और अवस्थिति को अगर देखेंगे, सिचुएशन लोकेशन को अगर देखेंगे तो यह आपके लद्दाख में स्थित है। पार्वती घाटी की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पार्वती नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया है? पार्वती घाटी। इसके अलावा किन्नौर घाटी, भाई किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में काफी फेमस घाटी है, और यह घाटी आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि यह अपने सेब उत्पादन के लिए पूरे भारत में फेमस है। किस चीज के लिए? सेब उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है किन्नौर घाटी, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कुल्लू घाटी की बात करें, ठीक है, कुल्लू घाटी की अगर हम बात करें तो कुल्लू वैली इस यहां पर 7 दिनी दशहरा त्योहार के लिए जानी जाती है। यहां पर भैया 7 दिनों तक आपके दशहरा त्योहार मनाया जाता है कुल्लू घाटी में। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थिति है। अगर कुल्लू घाटी की लोकेशन को पूछा जाए तो धौलाधर रेंज और पीर पंजाल रेंज जो है हिमालय की, उसके बीच में आपकी प्रसिद्ध कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा सांगला घाटी की बात करें तो सांगला घाटी, इसको बासपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और यह घाटी आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा चंबा घाटी की बात कर लेते हैं तो चंबा घाटी के बारे में आपको याद रखना है कि चंबा, भारमौर, डलहौजी, खज प्रमुख पर्यटक स्थल इसी घाटी में स्थित है। भाई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ लेता है, किसी पर्यटन स्थल का नाम दे देता है, किसी आपको हिल स्टेशन का नाम दे देता है और पूछ लेता है कि वो हिल स्टेशन किस घाटी में स्थित है। तो चंबा घाटी में चंबा, भारमौर, डलहौजी और खज्जियार ये पर्यटक स्थल आपके स्थित है। और चंबा घाटी की अगर आप स्थिति की बात करें तो यह आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा कांगड़ा घाटी की बात कर लें तो कांगड़ा घाटी आपके प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला, ठीक है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पर्यटन स्थल धर्मशाला जो है, हिल स्टेशन धर्मशाला जो है वो कहां पर स्थित है, तो ये आपके कांगड़ा घाटी में स्थित है, और कांगड़ा घाटी आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। लाहौल घाटी की बात करें, लाहौल घाटी, ये घाटी कहां पर है, तो देखिएगा इस घाटी से होकर चंद्र एवं भागा नदियां प्रवाहित होती है। बेसिकली इनको चंद्र भागा के नाम से भी जाना जाता है, और चंद्र भागा नदी जो है यही आगे चलकर
आपकी चिनाब नदी बन जाती है। कहां पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा मालना घाटी की बात कर लेते हैं, तो मालना घाटी है हिमाचल प्रदेश में, छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है ना, इसको बेसिकली मिनी ग्रीस के नाम से भी जाना जाता है खूबसूरती के लिए, ठीक है, अपनी खूबसूरती के लिए मालना घाटी को छोटा यूनान का नाम भी दिया जाता है, और हिमाचल प्रदेश राज्य में यह आपकी घाटी मौजूद है। स्पीति घाटी की बात करें तो स्पीति घाटी यह बौद्धों का प्रसिद्ध मठ ताबो है ना, बौद्धों का एक प्रसिद्ध मठ है जिसका नाम है ताबो, वो इसी घाटी में अवस्थित है। और स्पीति घाटी ये कहां पर स्थित है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके अलावा सोर घाटी की बात करें तो सोर घाटी जो है ये घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। कहां पर? ये घाटी आपके उत्तराखंड में अवस्थित है। इसके बारे में आपको याद रखना है, सोर घाटी भी है ये अपने प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए जानी जाती है, अपनी खूबसूरती के लिए सोर घाटी जानी जाती है, जो आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेलांग घाटी की बात कर ले तो नेलांग घाटी ये आपके उत्तरकाशी जिले में है, उत्तरकाशी जिला जो बेसिकली आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और यहां पर आपको याद रखना है गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है, आपके उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क है, और गंगोत्री नेशनल पार्क में आपके जो घाटी है उस घाटी का नाम है नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में। इसके अलावा दून घाटी की बात करें, ये तो आपने सुना होगा भैया, दून घाटी की बात करें तो यहां पर आपने उत्तराखंड के अंदर दून कुछ सुने भी होंगे, जैसे आपने नाम सुना होगा देहरादून, आप लोगों ने नाम सुना होगा पाटलीदून, आप लोगों ने नाम सुना होगा कोटलीदून, है ना, तो देहरादून पाटलीदून कोटलीदून ये जो है ये आपकी घाटियां हैं जो हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती हैं, और ये घाटी शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में स्थित है। क्या? शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आपकी दून घाटियां स्थित हैं, और कहां पर? तो उत्तराखंड राज्य में। इसके अलावा जोहार घाटी की बात कर लेते हैं, तो जोहार घाटी इसे मिलाम घाटी के नाम से भी जाना जाता है, या इसे गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? जोहार घाटी, मिलाम घाटी और गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जानी जाती है, और उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रमुख घाटी है जोहार घाटी। फूलों की घाटी, भाई आपको पता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, फूलों की घाटी को आपके विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। तो फूलों की घाटी की अगर हम बात करें तो यह आपके उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है, और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अपने वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए जानी जाती है फूलों की घाटी उत्तराखंड। जुकू घाटी की बात करें, ठीक है, जुकू घाटी भारत में कहां पर स्थित है? तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में। कहां पर? भारत का पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट कंट्री आपके स्टेट है नागालैंड। नागालैंड में आपकी रेंज है जफू श्रेणी, जफू श्रेणी के पीछे स्थित है। जून एवं सितंबर माह में संपूर्ण घाटी जंगली फूलों से ढक जाती है ना। लोकेटेड बिहाइंड द जफू रेंज इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड, द एंटायर वैली इज कवर्ड विद वाइल्ड फ्लावर्स इन द मंथ्स ऑफ जून एंड सितंबर। भाई जून और सितंबर के महीने में जुकू घाटी जो है इसकी सुंदरता देखने लायक होती है, क्योंकि पूरी की पूरी घाटी जो है वो रंग बिरंगे फूलों से ढकी हुई होती है। इसके अलावा यूथांग घाटी की बात करें तो यूथांग घाटी ये आपके हॉट स्प्रिंग के लिए जानी जाती है, गर्म स्रोतों के लिए जानी जाती है, और यह रोडोडेंड्रन झाड़ियों एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। यूथांग घाटी को आपको याद रखना है, यह सिक्किम के क्षेत्र में, सिक्किम राज्य में स्थित प्रमुख घाटी है। यूथांग घाटी अपनी सुंदरता के लिए विशेष तौर पर जानी जाने वाली घाटी है। इसके अलावा अराकू घाटी की बात करें, आपके एग्जाम में कई बार पूछी भी जा चुकी है। बेसिकली देखिएगा तो भैया आपकी फूलों की घाटी हो गई, अराकू वैली हो गई, शांत घाटी हो गई, ये कुछ ऐसी घाटियां हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं। अराकू घाटी की बात करें तो यह घाटी गली कोंडा, रक्त कोंडा, सुक्री मेट्टा और चित्ता मोगोंडी नामक पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसके चारों तरफ में भैया आपकी पहाड़ियां स्थित है, जिनमें गली कोंडा, रक्त कोंडा, सुक्री मेट्टा, चिंता मोगोंडी ये आपकी पहाड़ियां यहां पर है। और कहां पर स्थित है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। कहां? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी आपकी स्थित है। इसके अलावा धर्मा घाटी की बात कर लेते हैं, तो धर्मा घाटी ये आपके, इसका निर्माण धर्मा गंगा नदी के द्वारा, धर्म गंगा नदी
कह लो या धर्मा गंगा नदी कह लो, तो धर्म गंगा नदी के द्वारा धर्मा घाटी का निर्माण किया जाता है। और ये आपके कहां पर स्थित है, तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड, कहां? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आपकी धर्मा घाटी स्थित है। इसके अलावा शांत घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके यहां पर पूछी जाती है, इसे साइलेंट वैली कहा जाता है। ठीक है, इसको मैं यहां पर ठीक कर देता हूं एक बार, इसे क्वाइट इन्होंने लिख दिया है, वास्तव में यहां पर जो सही शब्द आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, साइलेंट वैली। ठीक है, यहां पर शब्द आना चाहिए साइलेंट वैली। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा साइलेंट वैली कहां पर स्थित है, तो आपको बताना है साइलेंट वैली जो है ये आपके शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है, और इसके अलावा पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ी के पलक्कड़ पालघाट जिले में स्थित यह घाटी जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है और नल्ला मलाई श्रेणी में स्थित है। आपको एक चीज यहां पर विशेष तौर पर याद रखना है, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से शांत घाटी या फिर आपकी साइलेंट वैली इसका एक प्रमुख स्थान है, और यह घाटी कहां पर स्थित है, तो आपके केरल राज्य में पश्चिमी घाट पर स्थित पहाड़ी है। इसके अलावा चलिए इतनी घाटियां हमारे पास थी, तो ये थी भैया आपकी विश्व की प्रमुख घाटियां। आज के टॉपिक में ये जो घाटियां मैंने आपको बताई हैं किसी न किसी एग्जाम में लगातार पूछी जाती रहती हैं, आप इनको तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।